गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, वेलकम यू ऑल एसएसटी क्लास। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 10, ऑक्यूपेशन इन इंडिया। पीपल चूज ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड्स। पीपल क्या चूज करते हैं? अपनी एबिलिटी और नीड्स के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन। पीपल वर्क एज डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, पुलिसमैन, नर्स, कारपेंटर्स, बार्बर, टेलर्स, सोल्जर्स एक्सेट्रा। ओके, To earn money, people have to do some work. Earn money के लिए people क्या करते हैं? कुछ some work करते हैं. As you know, your parents earn money. Any activities or work that help a person earn money is known as occupation. और इसको क्या कहते हैं अपन? Occupation. Let's start your more about the occupation of the people and our country. First है आपके इसके अंदर farming. Majority population of India live in the villages. The main occupation of the village people is farming or agriculture. Villages में people का क्या होता है? Main occupation farming. India farmer grow crop like कौन-कौन सी grow करते crop? Pulses है, oil seeds, sugar cane, jute, cotton, tea, fruits and vegetables. The climate type of soil and agriculture facilities determine the crop that can grow best in that region. और ये किस पर crop डिपेंड होती है? वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है और कैसी सॉइल है वहाँ पर। फर्स्ट क्या करते हैं फार्मर? सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, बीज बोते हैं और हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप की कटाई जो होती है। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स मेनली डिपेंड ऑन द सीजन, और ये किस पे डिपेंड करती है? सीजन पे। फार्मर कैन ग्रो वीट विंटर एंड राइस समर इन द सेम फॉर्म। अपनी सेम फॉर्म में क्या करते हैं? वीट विंटर में और राइस समर में। फिर नेक्स्ट है आपके कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग कंप्रेस कैटल लाइक कौन कौन सी होती है? गॉड्स, काउ, बफेलो एंड बुल्स। दीज ऑल एनिमल्स रियरिंग फॉर डिफरेंट पर्पस। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज। काउ से क्या मिलता है अपने को? मिल्क। बफेलोज एंड गॉड्स डेयरी फार्मिंग और रियरिंग एनिमल्स और मिल्क एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। नाउ ए डेज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर कंज्यूम इन लार्ज क्वान्टिटी इन आवर कंट्री। अपने को मिल्क क्या होता है? कंट्री में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। सो डेयरी फार्मिंग इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और ये मेन ऑक्यूपेशन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। वी आल्सो गेट मीट फ्रॉम द गॉड्स। पोल्ट्री फार्मिंग है नेक्स्ट आपके इसके अंदर। पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व रेयरिंग हैंड डक्स एंड गीज ऑफ देयर मीट एंड एग्स। पोल्ट्री फार्म कौन क्या करते हैं इसके अंदर? हैंड डक्स और गीज का रेयरिंग करा जाता है, और किसके लिए? मीट और एग्स के लिए। उसके अंदर नेक्स्ट है आपके फिश फार्मिंग। इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। कोस्टल रीजन में इंडिया का जो है फिशिंग जो है इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है इंडिया में। ये फिश इज ए स्टेपल फूड ऑफ मैनी पीपल, और इस फिश क्या है? स्टेपल फूड, मुख्य भोजन है उनका। द ईस्टर्न इंडिया कोस्टल रीजन बेल्ट वी आल्सो गेट अदर प्रोडक्ट फ्रॉम फिश लाइक ऑयल एंड ड्राई फिश फूड। अदर देन कोस्टल एरिया फिश आर आल्सो रेयरिंग ए बिग टैंक्स पॉन्ड्स। दिस इज कॉल्ड फिश फार्मिंग। वर्किंग इन फॉरेस्ट, कुछ लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं फॉरेस्ट में। इंडिया कवर द लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट। मैनी पीपल वर्क इन द फॉरेस्ट। सम कट वुड विच इज यूज टू मेक फॉर, वुड की कटिंग करी जाती है, फिर उससे क्या यूज करा जाता है उसका? मेकिंग फर्नीचर में, मैच बॉक्सेस बनाने में, पैकिंग बॉक्सेस, पेपर एंड कार्डबोर्ड। वुड इज ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग। हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन करने में वुड काम में आता है। ट्रीज आर कट डाउन द पेपर एंड फ्यूल्स। फिर है माइनिंग आपके खुदाई। इंडिया सच एज रिच मिनरल रिसोर्सेज सच एज आयरन, कोल, मैगनीज, मीका, कॉपर एंड पेट्रोलियम। माइनिंग इन्वॉल्व द एक्टिविटीज ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। इन सम स्टेट्स इन इंडिया माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। Some of these minerals are produced and developed into metals. Metal are used for domestic as well as industries work. Metals क्या किया जाता है? Domestic work किया जाता है industries में। Some metals are used to make utensils or kitchen and home appliances. Some metal are used to make pipes, machine, railway engine, automobile and many other items. पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। पेट्रोलियम प्रोवाइड किया था पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक एंड मेडिसिन। पेट्रोल इज द मेन फ्यूल यूज इन अवर व्हीकल्स। व्हीकल्स में यूज करा जाता है पेट्रोल्स। मेकिंग प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में क्या क्या प्रोडक्ट करा जाता है यूज, मेकिंग करा जाता है? फार्मर्स ग्रो कॉटन एंड शुगर कैन इन द फॉर्म।
फार्मर क्या ग्रो करते हैं, कॉटन एंड शुगर कैन अपनी फॉर्म में. दीज क्रॉप हैव बीन ट्रांसपोर्ट इनटू क्लॉथ एंड शुगर रिप्रेजेंटली इन फैक्ट्रीज सम वे. ऑयल सीड, जूट, टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स ग्रो बाय फार्मर्स इज टेकन टू फैक्ट्रीज एंड प्रोड्यूस टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट लाइक रोप, टी, कॉफी पाउडर. मटेरियल्स लाइक मेटल एंड प्लास्टिक आर यू मेड इंटू यूजफुल गुड्स. मेटल्स आर यूज टू मेक ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, वाइल प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग टॉयज, बकेट, पाइप, मैनी अदर यूज. और प्लास्टिक आप किस किस में यूज करा जाता है, प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट बनाने में, टॉयज, बकेट, पाइप्स में. सेलिंग आउट गुड एंड सर्विसेज. All the goods of domestic and commercial use once prepared. इसमें क्या होता है कि एक बार जो तैयार किया हुआ जो domestic और commercial होता है, use सभी सामान people तक पहुँचना चाहिए. और a large number of people are involved in this work. और इसके अंदर large number of people क्या होता है, involved होते हैं this work में. They are working like businessmen, shopkeeper to sell goods to the buyer. और buyers को सामान बेचने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए. द गुड्स विच आर प्रिपेयर्ड आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये जो तैयार होता है, गुड्स जो तैयार होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेल्प टू डू दिस वर्क. और पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट में. नेक्स्ट है आपके पोस्टल सर्विसेज. बिसाइड ऑल द गुड्स वी also required important services like postal, telecom, medical, travel and entertainment. Large number of people are involved to provide these services. You can learn how large number of people engage different kinds of work to earn money of their livelihood. All these people are important to us. They provide their services with the goods that we need. जो अपने को जरूरत होती है वो provide कराते हैं. Their कॉपरेशन मेड अवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल एंड एक्टिव. और इससे अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही एक्टिव और कम्फर्टेबल बन जाती है. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू क्लास.